आप देखिए मेरा YouTube चैनल कैपिटल न्यूज, मेरे साथ मौजूद है फेमस यूट्यूबर है, सीनियर सहाफी है मोहम्मद जमीन साहब। सर कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर कल 13 सितंबर PDM का जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर। पहले से ही जो है वो नून लीग में लाहौर की जो है लाहौर में जो है सॉरी नून लीग की हुकूमत है, तो ऑब्वियसली अवाम पे इकट्ठी हो ही जाएगी। लेकिन सुना गया है कि हर जो MNA है MP है उसको टास्क दिया गया है कि अपने साथ 100 बंदे आपने लेकर आने हैं। मुझे बताइएगा कि नेक्टर जो है वो पहले से थ्रेट अलर्ट जारी कर चुका है, क्या इस जलसे में मुमकिन दहशत गर्दी का कोई इम्कान है? जिसमें मुझे ये बताइएगा कि जलसे से एन 2 दिन पहले शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला बना दिया गया है, तो क्या ये इसीलिए किया गया है कि आप वही सबसे निपटेंगे? देखें, पहली बात तो जो जलसे के हवाले से है, कल अपोजिशन जमातों का 13 दिसंबर जिसके हवाले से पिछले कई दिनों ये सुन रहे हैं कि लाहौर में जलसा होने जा रहा है। यकीनन जलसा तो एक बड़ा जलसा होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन जमातें जो हैं और 11 जमातों पर मुश्तमिल ये PDM जो बनाया गया है, जलसा जो होने जा रहा है, जलसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और लाहौर की आवाम, आप पहले भी देखें कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जो है और उसको कहा जा रहा है कि हम इस ग्राउंड को भरेंगे। बात जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफराजी कोद के हवाले से बात की जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो जलसा होगा ये मुस्लिम लीग नून जो है इसको जो है मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं भरेगी। मेरे नज़दीक जो सूरत हाल ये है कि इस जलसे के बाद क्या होगा। आप जलसा कर लें, मिसाल के तौर पर आपने पूरा लाहौर जो है वो आपने बंद कर दिया है, पूरे लाहौर की सड़कों पर आवाम है, मीनार पाकिस्तान में अवाम है, गैदरिंग है, उसके बाद फिर क्या होगा? जो असल मकसद जो है अपोजिशन जमातों का, जलसा करना मैटर नहीं है। जलसा यहाँ पे इसी मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में, अगर तहरीक इंसाफ आज कहे कि हमने जलसा करना है वो भी जो है वो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भर देंगी, कोई भी और जमात हो, जलसा करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर को क्या होगा। ये जो अपोजिशन जमातें पिछले 20 दिसंबर 2020 से लेकर अगर आप देखें तो इस हुकूमत को गिराने के लिए ये प्लान तरतीब दे रही है। और इससे पीछे अगर आप थोड़ी सी चले जाएं कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, उस हुकूमत से लेकर आज के दिन तक इस अपोजिशन जमातों का जो सबसे बड़ा मिशन ये रहा है कि इमरान खान को घर भेजा जाए, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाए। लेकिन हर साल प्लान तरतीब दिए जाती हैं, हर बार जो है APC का जाल बिछाया जाता है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चली जाती है, लेकिन इमरान खान तो वहीं पर मौजूद हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत कर रही हैं और पहले से जो पाकिस्तान है वो हमें ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इकोनॉमी की सूरत हाल को देख लें आप, पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उसको देख लें आप, एक्सपोर्ट को देख लें आप, मईशत की सूरत हाल को देख लें, तो आपको वाज तौर पर फ़र्क नज़र आएगा कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो 2018 वाली अब नहीं रही, जिस तरीके से पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरा था। अब हम बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मसला यह है कि अब ये सारे मिलकर इनके आपस के जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लड़ाई इस बात पर है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी पैनल राउंड का आगाज किया जाए, इस्तीफों असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून के अपने जो सीनियर लोग हैं उनमें भी ये तफरीक है, उनमें भी ये तकसीम है कि कुछ लोग रजामंद हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और कुछ लोग सिर्फ मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि इस्तीफे देने चाहिए, एक्चुअली वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि अगर आज हमने इस्तीफे दे दिए, कल इमरान खान या फिर पाकिस्तान की रियासत ने, रियासी इदारों ने दोबारा जो इलेक्शन की बात हो रही है कि भाई इलेक्शन करवा लिए जाएं तो इमरान खान को ज़्यादा पावर में सीटें मिल जाएंगी, इमरान खान ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में अभी ये अपनी कशमकश से नहीं निकले। और ये 13 दिसंबर को जलसा हो रहा है, उसके बाद 31 दिसंबर को इन्होंने आखिरी जो डेडलाइन है उसका ऐलान किया हुआ है कि सब अपने अपने कैदीन के पास इस्तीफे जमा करवाएं। लेकिन तहाल अगर आप 8 दिसंबर 2020 का इजलास देखें और उसके बाद आज 12 हो चुकी है, 4 दिन हो चुकी हैं, अभी तक तो बिलावल सरदारी CEC का इजलास ही नहीं बुला पाए, उन्होंने फैसले भी नहीं किए। तो मेरे ख्याल में ये एक जलसा हो रहा है और हमारे लोगों को इस जलसे से ज़्यादा ना तो कोई तवक्कात रखनी चाहिए। और दूसरी जानब ये सूरत हाल है कि ये जो मीडिया में एक बहस का आगाज़ हुआ है कि जी देखें मीनार पाकिस्तान के हवाले से रोड बंद किए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं, आप पिंडी में मौजूद हैं, मुझे ये बताएं आप अगर इस्लामाबाद से पिंडी जाएं और ये जो GT रोड है लाहौर वाला, आपको कहीं से कोई कोई एक कंटेनर नजर आया, कहीं पर कोई रुकावट नजर आई? आपके अपने मोहल्ले में मुस्लिम लीग नून के वर्कर होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, मौलाना फजल रहमान के होंगे, आपने सुना है कि किसी पुलिस ने आके वहां पर क्रैकडाउन किया है, किसी ने आके किसी की दीवारें फैलांगी हैं,
तो ये एक टूल खेलने की कोशिश की जाती है। जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत पर मलबा डालती है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर मलबा डालती है, लेकिन एट द एंड जो एंड है वो अपोजिशन जमातों को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि तमाम अपोजिशन जमातों में अब जाती मफादात की जंग जो है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली नहीं छोड़ना चाहती, मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी इस्तीफे दिए जाएँ और एक हुकूमत के खिलाफ जो फैना रोड का आगाज किया जाए। मौलाना फजल रहमान की अपनी मजबूरियां हैं, नवाज शरीफ की अपनी मजबूरियां हैं, इसके बाद शरीफ की अपनी मजबूरियां हैं। तो ये सिर्फ आप जलसा जलसा कह रहे हैं, तो जलसा जलसा तो फिर आप 5 साल पूरे खेलते रहे, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को एहसास करना चाहिए था, ख्याल करना चाहिए था कि ये आवाम को एक ऐसी दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है कि आवाम की जानों से खेलने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपनी दुश्मनी में। और इनको ये भी चीज कहा जाए करूंगी और इनका जलसा जलसा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे बचपन में गेम खेली जाती थी, बादशाह का वजीर कौन, और घूम फिर के वही बादशाह वही वजीर और वही चोर बनता रहता था। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से खेल रहे हैं कि एक दफा में तुम वजीर बन जाओ, एक दफा में हम बन जाते हैं, तो इसी तरह से हुकूमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।